साल 2019 की शुरुआत वीवो ने जिस अंदाज में की थी, साल 2019 का एंड भी वीवो उसी अंदाज में करने वाला है। मेरे हाथ में इस वक्त है वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो V17 और वीवो के लगभग हर फोन की तरह इसमें भी फोकस मेन वीवो ने रखा है अपनी स्टाइलिश डिजाइन और कैमरे के ऊपर। सबसे पहले बात कैमरे की कर लेते हैं। क्वाड कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, इसके अंदर जो है प्राइमरी लेंस है, इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया हुआ है। साथ में 2-2 मेगापिक्सल के दो और कैमरे हैं, एक तो है मैक्रो और दूसरा है बोके के लिए डेप्थ लेंस दिया हुआ है। ये 4 कैमरे हैं और साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो ये छोटे से पंच होल के अंदर फिट किया गया है, जो मतलब बंद स्क्रीन में तो आपको नजर भी नहीं आएगा। तो ये टोटल 5 कैमरे हैं इसके अंदर। तो क्वाड कैमरा सेटअप के ऊपर यहाँ पर वीवो जो है सबसे ज्यादा फोकस जो कर रहा है वो इसके नाइट मोड के ऊपर कर रहा है, और नाइट मोड वीवो के मुताबिक इन्होंने अपने सेल्फी कैमरे में भी दिया है नाइट मोड, और जो प्राइमरी कैमरे हैं जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर भी नाइट मोड दिया गया है। अपने प्रेजेंटेशन के दौरान वीवो ने ढेरों फोटोग्राफ्स दिखाए जो काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो तब होगा जब इस कैमरे को हम रिव्यू करेंगे, लेकिन मोटा मोटा अभी फर्स्ट इंप्रेशन में काफी बढ़िया लग रहा है इसका कैमरा, और ढेर सारे जैसे AI इनेबल्ड फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया फोटोग्राफी इसके साथ हो सकती है। इसके अलावा जो है मैक्रो मोड जो खास तौर पर दिखाया वो बेहद खूबसूरत दिखाया, नाइट मोड से लिए गए ढेरों शॉट्स हमारे साथ शेयर किए गए वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, और साथ में जो सैचुरेशन और जो स्किन टोन है वो काफ़ी बढ़िया इसके कैमरे में हमें देखने को मिला। दूसरी चीज़ यह है कि 32 मेगापिक्सल का ये जो सेल्फी कैमरा दिया गया है, वीवो इसे भी कह रहा है क्लियर सेल्फी, क्योंकि ये स्किन टोन्स को काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है, और आसपास जितने भी सब्जेक्ट्स और जितनी भी चीज़ें हैं इसके सेल्फी कैमरे में जो कैप्चर होती हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फोकस होती हैं, इसीलिए वीवो ने इसके सेल्फी कैमरे का नाम दिया है क्लियर फोकस सेल्फी कैमरा। इसके अलावा एक और जो चीज़ जो वीवो अपने इस फ़ोन में बता रहा है जो अच्छी है, खास तो ये है कि जैसे मैंने बताया पंच होल डिस्प्ले इसमें दिया गया है। हालांकि जहाँ पर 2019 में हमें ढेरों ऐसे भी फोन देखने को मिले जहां पर पंच होल डिजाइन या नॉच डिस्प्ले को हटाकर पूरी तरीके से एंड टू एंड स्क्रीन का डिस्प्ले ऑप्शंस हमें देखने को मिले, लेकिन यहां पर इसका जो पंच होल डिस्प्ले है, इससे पहले हमने S10 में देखा था पंच होल डिस्प्ले, वो थोड़ा बड़ा था। नोट सीरीज में भी हमें देखने को मिला था पंच होल डिस्प्ले, वो भी थोड़ा बड़ा था, पर यहां पर वीवो V17 का जो पंच होल डिस्प्ले है ये बहुत ही छोटा सा है, मतलब बहुत ज्यादा लगता नहीं कि इसके जो इसका सेल्फी कैमरा जो फिट करके करने के लिए जो पंच होल दिया गया है ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगा गेमिंग के दौरान या आप कुछ भी इस पे वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही छोटा सा है, करीब 2.8 mm के रेडियस वाला ये छोटा सा पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। दूसरा जो डिस्प्ले जो इसके अंदर दिया गया है वो भी वीवो ने काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है डिस्प्ले, आई व्यू डिस्प्ले कह रहा है वीवो इसे, और वो E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसके ऊपर कलर्स और सैचुरेशन लेवल्स और ब्राइटनेस लेवल्स खास तौर पर काफी अच्छे हैं। 800 निट्स का तो ब्राइटनेस इसमें मिलती है, लेकिन वीवो के मुताबिक जब धूप तेज होती है तो इसके डिस्प्ले के कुछ एरिया पे जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं वो 1200 निट्स के आसपास तक पहुंच जाते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप कड़ी धूप में बैठकर कोई इसकी स्क्रीन के ऊपर कोई वीडियो देखना चाहें, वेब सर्फिंग करना चाहें, तो इसकी डिस्प्ले के ऊपर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी, विजिबिलिटी पूरी तरीके से बरकरार रहेगी। रही बात डिजाइन की, तो डिजाइन के मामले में वीवो के शायद ही कोई ऐसा फोन होगा जो दिखने में भद्दा लिखता होगा, क्योंकि वीवो के फोन हमेशा से अपनी स्टाइलिश डिजाइन के लिए जाने जाते रहे हैं। यहाँ पर भी ये थोड़ा सा पर्ल वाइट फिनिश वाला ये इसका दिया गया, हालांकि वीवो ने इसका कलर जो है उसका नाम कुछ बड़ा कूल सा रखा हुआ है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, स्लम फ्लम है, बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए भारी भरकम फोन नहीं लगता है। 4500 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है जो 18 वाट की फास्ट चार्जर के साथ आता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। अब कितनी फास्ट चार्ज होता है और कितनी देर तक चलती है ये तो रिव्यू के दौरान हम लोग आपको बताएंगे, बट ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन वाइज वीवो V17 काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, और जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि साल की शुरुआत वीवो ने जिस तरीके से की थी, साल का अंत भी वीवो उसी अंदाज में करना चाह रहा है वीवो V17 की मदद से। अब यहाँ पर इसकी अगर कीमत की बात करें तो इसके दाम है 22,900 रुपये,
से इसका शुरू होता है। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, 8GB रैम का ऑप्शन इसमें दिया गया है, 8GB रैम के साथ आता है। तो 22,900 रुपये से इसकी कीमत शुरू होती है और ये 17 दिसंबर से बाजार में बिकना शुरू हो जाएगा और प्री बुकिंग तो आप आज से ही करा सकते हैं। तो ये तो था वीवो V17, आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हो या पहली बार इस चैनल पर आए हो तो भैया सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि असली मज़ा तो इसी चैनल पर आने वाला है। एनीवे मिलते हैं अगले वीडियो में वीवो V17 के फुल रिव्यू के साथ।